भारत के बस चमत्कारिक हनुमान मंदिर। हनुमान जी के चमत्कारिक सिद्धपीठों की संख्या यूं तो सैकड़ों में है। उन हजारों सिद्धपीठों या मंदिरों में से यहाँ प्रस्तुत है चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जानकारी। मंदिर नंबर एक, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है। हनुमान मंदिर नंबर दो, हनुमान मंदिर, इलाहाबाद, प्रयाग, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर है। संगम के निकट स्थित इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति लगभग 20 फीट लंबी है। लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे तो माँ सीता ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान मंदिर नंबर तीन, हनुमान धारा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 मील पर्वतमाला के मध्य में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। लगभग 400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान जी के दर्शन होते हैं। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। हनुमान मंदिर नंबर चार, बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है जहां पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई है जिसे बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। जनश्रुति है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। हनुमान मंदिर नंबर पाँच, पांडुपोल हनुमान मंदिर, जिला अलवर, राजस्थान। हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा वाला यह मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अलवर जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर सारिस्का अभयारण्य और आरावली की सुंदर वादियों में स्थित इस मंदिर स्थान को पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां हनुमान जी ने आराम किया था। हनुमान मंदिर नंबर 6, प्राचीन हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ है जो यमुना नदी के तट पर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बसाया गया था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने इस शहर में 5 हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। यह मंदिर उन्हीं 5 में से एक है। कनॉट प्लेस में स्थित इस मंदिर में उपस्थित हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है। बालचंद्र अंकित शिखर वाला यह मंदिर आस्था का महान केंद्र है। हनुमान मंदिर नंबर 7, अंजनाद्री पर्वत, किष्किंधा, बेल्लारी, कर्नाटक। भारतीय राज्य कर्नाटक में किष्किंधा क्षेत्र लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 70% भाग कोपल और 30% भाग बेल्लारी जिले में आता है। यहीं पर आंजनेय या अंजनाद्री पर्वत पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। पर्वत की ऊंचाई लगभग 80 मीटर है। पर्वत के शिखर पर हनुमान का मंदिर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए लगभग 550 सीढ़ियां चढ़ना होती है। दरिया महावीर बेदी हनुमान, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहां समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु हनुमान जी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों हेतु बार बार जगन्नाथ मंदिर पहुँच जाते थे। उनके पीछे समुद्र नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन की इस आदत से परेशान हो जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान को यहाँ बेड़ी में आबद्ध कर दिया, इसीलिए इन्हें बेदी हनुमान भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इन्हें दरिया महावीर हनुमान कहते हैं।
श्री पंचमुख आंजनेय हनुमान तमिलनाडु। श्री पंचमुख आंजनेय स्वामी जी तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेय हनुमान स्वामी जी का बहुत ही मनभावन मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुख रूप में विग्रह स्थापित है जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसके छोटे भाई महिरावण ने श्री राम जी को लक्ष्मण से अपहरण कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंच रूप धारण कर इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की थी और फिर इसी रूप में उन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध कर दिया था। मंदिर नंबर 10, हनुमान दंडी मंदिर, बेट द्वारका, गुजरात। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकरध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकरध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई है। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकरध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ था। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया था। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र था।